शहर हैदराबाद में 6 मई के बाद से लॉकडाउन में नरमी दे दी गई है। कई एक रियायतों के बाद शहर के इलाकों में लॉकडाउन अमलन खत्म ही हो गया है, ऐसा नज़ारा पेश किया जा रहा है। दिन के औकात में रियायतें दी गई है, लेकिन रात के औकात में कर्फ्यू में कोई रियायत नहीं दी गई है। ये हस्बे साबिक वैसे ही मौजूद है, लेकिन जो लोग दिन के औकात में रियायतों का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग रात के औकात में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। कई एक इलाकों में रात के वक्त भी गाड़ियों पर घूमा जा रहा है। आज रात काला पत्थर पुलिस स्टेशन के SHO एस सुदर्शन की जानिब से रात 8 बजे से इनके इलाके में जो कोई भी कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते दिखाई दिया, इसे रोक कर इंतबाह दिया गया और इनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। SHO सुदर्शन ने अपने जवानों के हमरा पैदल पूरे इलाके का सर्वे किया और रास्ते में चबूतरे पर बैठे अफराद को घरों में रहने की तलखीन की और नौजवानों की जानिब से बिला ज़रूरत गाड़ियों पर घूमने पर इनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। इस मौके पर कई ऐसे अफराद जो ज़रूरत के मुताबिक घरों से निकले थे, इन्हें इनके दस्तावेजात चेक कर छोड़ भी दिया गया। इस मौके पर उन्होंने siyasat.com से बात करते हुए आज रात अंजाम दिए गए क्रैकडाउन की तफसीलात बताई हैं। पत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आज 8 बजे के बाद जो भी कर्फ्यू वायलेशन जो कर रहा वो गाड़ियों को पूरा सीज कर रहा, बेफिजुली रोड पे फिर रहा थोड़े लोग, जो जेन्युइन पर्सन है हॉस्पिटल है तो वो लोगों को छोड़ दे रू, जो भी बेफिजुली से बेकार का रोड फिर रहा वैसा व्हीकल को पूरा अभी एक 20 व्हीकल तक सीज करके पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कर रहा हूँ लोगों को। दिन में क्या है सर? दिन में भी चेक कर रहा, दिन में भी हम एक 30 केसेस तक भी वायलेशन केसेस ये करा, जो भी जेन्युइन पर्सन को देख के एसेंशियल सर्विसेज गुड्स और मेडिकल का ये छोड़ दे के दूसरा लोगों को हम केसेस कर रहा। पब्लिक को जो भी कर्फ्यू टाइम है शाम में 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई बाहर फिरने के नहीं है, जो भी एसेंशियल इमरजेंसी बोलते जा सकते हैं, मगर अभी मैं 20 गाड़ी पकड़ा बेकार लोग फिर रहा ये पूरा, वैसा लोगों को ऐसा नहीं फिरना। माँ बाप को मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, बच्चों को गाड़ी दे के रात के टाइम पे खुला है बोल के फिरने को नहीं देना बोल के मैं ये बोल रहा हूँ, पैसा दे दे तो वो लोगों का गाड़ी सीज कर लेता हूँ, ये करके फिर 1 महीने तक भी नहीं देता हूँ। दिन में जो बाज़ार में पब्लिक बहुत रह रही है तो उसमें ढील क्यों दे रहे सर इतने? ऑलरेडी दिन में जो तरकारी और ये ले रहा उसमें भी सिस्टमेटिक से सोशल डिस्टेंस मेंटेन हुआ तो वो लोग ये ले रहा, किधर भी जो सोशल डिस्टेंस वायलेशन करे तो वो लोगों के ऊपर भी जो एसेंशियल जो आइटम किराना शॉप के ऊपर वो लोगों को भी ये कर रहा, जो व्हीकल पे भी मास्क नहीं लगा कैसे गए तो लोगों के ऊपर भी हम केसेस कर रहा। फ्रूट मार्केट में ज़्यादा भीड़ रही सर? नहीं, आप लोगों को ऐसा दिखता नज़दीक जाके देखे तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा, वैसा जो भी हमको आइडेंटिफाई करे तो इमिडिएटली हम एक्शन ले रहे हैं।